हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। हाल ही में आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध पिछले एक साल से ज़्यादा समय हो गए युद्ध होते हुए, और दोनों के बीच युद्ध का कारण यह है कि रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने और यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इन सब के बीच जो है कहते तीसरे का फायदा होना, नाटो अपना फायदा उठा लिया। नाटो ने कहा है कि खेला होवे, आपको याद होगा क्या है, क्या कहा है, तो उसने कहा है कि खेला होवे, और खेला कैसे हुए ये जानते हैं। 2020 में नाटो का जो सदस्य बना था, 30वां सदस्य, वो था उत्तरी मैसेडोनिया, और हाल ही में अभी मंगलवार को 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड को मान्यता प्रदान की गई है। यानी अब फिनलैंड जो है, जो रशिया का एक पड़ोसी देश है, जो रशिया के साथ 1340 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, दोनों के बीच 1340 किलोमीटर के बीच जो आपका बाउंड्री है वो साझा करते हैं, उसको नाटो का सदस्य बना दिया गया है। आइए जानते हैं मामला क्या है। 1949 में 12 देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया था, और गठन करने का एक मुख्य कारण था कि उस वक्त के यूएसएसआर और यूएसएसआर के गुट को आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो उसको पछाड़ना, उससे लड़ाई करना, ये एक सैन्य समझौता था। और इसके विरोध में वारसा पैक्ट 1955 में जो यूएसएसआर ने गठित किया था, वो वारसा पैक्ट जिसे कहते हैं हम, वारसा की संधि जिसे कहते हैं, वो हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना एक गुट बनाया था। दोनों ही समझौते थे, चाहे नाटो चाहे वारसा पैक्ट, दोनों ही एक सैन्य समझौता था। नाटो के बारे में जानते हैं, तो नाटो के वर्तमान में फिनलैंड के जुड़ने के बाद 31 सदस्य हो चुके हैं, ठीक है। और इनके बीच एक इनका एक अनुच्छेद 5, नाटो का अनुच्छेद 5 यह कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देश पर हमला माना जाएगा, और सभी देश मिलकर एक साथ उसका जवाब देंगे। हम आपको यहाँ एक चीज़ और बताएं कि इनके समझौते में ये भी प्रावधान है कि अगर मान लीजिए, जैसे अभी फिनलैंड शामिल हुआ, अमेरिका है, ब्रिटेन है, अगर अमेरिका को फिनलैंड का किसी हथियार के उपयोग करने की जरूरत है, फिनलैंड को अमेरिका किसी हथियार के उपयोग करने की आवश्यकता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, इजिली कर सकता है, ठीक। अब इधर आइए आप, वारसा पैक्ट। तो वारसा पैक्ट का जब गठन हुआ था तो वो भी इसके विरोध में हुआ था, नाटो के। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर सोवियत संघ का जब विघटन हो गया, तो वारसा पैक्ट की कोई जरूरत नहीं गई, उसको भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन नाटो बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, और अपना वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है, दिन प्रतिदिन वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है। और नाटो के द्वारा नाटो का विस्तृत रूप धारण करना, उसका अपना वर्चस्व बढ़ाना, अन्य देशों को उसमें शामिल करना, कहीं ना कहीं दुनिया को, विश्व को एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। कैसे समझते हैं, देखिए, जब 1955 में वारसा पैक्ट बना, 1949 में पहले इन्होंने नाटो बनाया, तो इनको जब यूएसएसआर जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था, यूएसएसआर का विघटन हो गया, वारसा पैक्ट का विघटन हो गया, तो नाटो का कोई औचित्य नहीं बचा था, ठीक। शांति अगर आप विश्व में चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा, लेकिन नाटो जो है एक सशस्त्रीकरण बाकायदा उसको बढ़ावा देता है और एक सैन्य समझौता है। हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 5 में अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सारे देश मिलकर मारेंगे, ठीक है, एक तरह से इनका ग्रुप है, ठीक ना, एक पिटा तो सारे मारेंगे, ठीक ना। तो अब जो है ये, और इनका जो विचारधाराओं का जो युद्ध है, जो यूएसएसआर और अमेरिका, पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधाराओं की जो लड़ाई, जो हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के दौर में जो देखे, वो आज भी समाप्त नहीं हुआ है, आज भी कहीं ना कहीं उसके बीच पनप रहे हैं। अभी देखिए, हाल ही में जो बाइडेन गए, ठीक, यूक्रेन तो ये भी गए, आपके चाइना के वो राष्ट्रपति साहब, तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी धीरे धीरे स्टेप वाइज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब फिनलैंड को शामिल कर लेने के बाद रशिया के बाउंड्रीज पर 2500 किलोमीटर नाटो बैठ चुका है, उसके 2500 किलोमीटर के जो पड़ोसी बाकी अन्य देश हैं वहां पर नाटो पहुंच चुका है। कोई भी देश, आप यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्टूडेंट होने के नाते आप, या ऐसे भी अगर आप यथार्थवाद पढ़िए कभी आपको समय मिले तो उसमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। कोई भी देश अपनी नीतियों को इस प्रकार से ध्यान में रखकर बनाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे, ठीक है। यूएसएसआर, आप मेरी बातों से लग सकता है आपको कि मैं जो है बाइस्ट होकर रशिया का सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, कोई भी यही चाहेगा कि उसके उसके गर्दन पर कोई पैर न रखे। रशिया के बगल में ऑलरेडी अब तो 2500 वरना इससे पहले करीबन 1400-1500 किलोमीटर पर नाटो ऑलरेडी बैठा हुआ था। अब यूक्रेन अलग उसमें शामिल होने की बात कर रहा है, कल को ये सारे मिलकर रशिया के आसपास में उसको घेर कर मारेंगे। एक देश पर हमला, छोटा देश हो चाहे पड़ोसी देश हो, अब उसकी तो बोलती बंद, पुतिन साहब की जो बोलती बंद हो गई। खैर, इन सब बातों को छोड़कर हम अपने एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। पहली चीज, 31वें देश के रूप में फिनलैंड शामिल हुआ है, 30वें देश के रूप में 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया शामिल हुआ था। इस वक्त वर्तमान में 31 देश हैं नाटो के सदस्य, 1949 में इसका गठन हुआ था, सैन्य समझौता है, एक देश पर हमला, सबके साथ सबके ऊपर हमला, सब मिलकर मारेंगे, ऐसे याद रखिए। वारसा पैक्ट नाटो के खिलाफ बनाया गया था 1955 में। अच्छा,
आपको बताया हमने अनुच्छेद 5 के तहत ही ये घटना जो हमने बताया, अब तक सिर्फ इसको केवल एक बार लागू किया गया था, जब 9/11 की घटना हुई थी अमेरिका में। आपको याद होगा कि ट्विन टावर पर आतंकवादी घटना घटित हुई थी, तो उस वक्त शुरुआत में तो ये पता नहीं लगा कि ये कैसी घटना, आतंकवादी घटना है या किसी देश ने आक्रमण कर दिया, इसलिए तुरंत उसको आर्टिकल 5 जो उनके नाटो का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या मैग्ना कार्टा या जो भी है, जहां भी नियम उनके सूचीबद्ध होगा, उसके अनुच्छेद 5 के तहत उन्होंने इस चीज़ को लागू कर दिया कि अमेरिका पर हमला हो गया, अब सारे देश मिलकर तैयार हो गए मारने के लिए। खैर, वो बाद में पता लगा कि आतंकवादी घटना है, तो केवल एक बार यह लागू हुआ है। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? आप नाटो को लेकर, वार्सा पैक्ट को लेकर, या इस वक्त जो हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। एक सूचना आपके लिए कि आपको ही पता है कि उत्तर प्रदेश में न्यू एजुकेशन कमीशन के गठन को लेकर वह पोस्ट चल रहा था काफ़ी दिनों से। परसों 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी रास्ते को और साफ करते हुए उसको मंजूरी दे दी है, तो अब आपके आने वाले समय में PGT, TGT, PRT वगैरह सारी भर्तियां दिखेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की सारी भर्तियां दिखेंगी। तो अब बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है और साथ ही राजनीति विज्ञान के संविधान और थ्योरी सिद्धांत, इसको लेकर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे और उस पर हम लोग, उस पर एक बाकायदा डिस्कशन के रूप में, एक क्लास के रूप में हम लोग उसको शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।